भाइयों की कलाइयों के जगह वृक्षों की शाखाएं हैं, रंग बिरंगी राखियों की बजाय मनमोहक पुष्प है, क्योंकि राखी बांधने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रयागराज के ग्रीनमैन कहलाने वाले प्रोफेसर एनबी सिंह और इलाहाबाद विद्यालय के छात्र है। वही प्रोफेसर एनबी सिंह के नेतृत्व में ये खास रक्षा बंधन प्रयागराज में हर साल की तरह इस बार भी मनाया गया, जिसमें पेड़ पौधों और वृक्षों को राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया गया। संरक्षण की गारंटी लेते हैं, बताएंगे कि पुराने वृक्ष हमारे लिए कितने आवश्यक हैं और विकास की होड़ में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के छात्रों ने पूरी परंपरा के साथ राखी का त्योहार मनाया। उन्होंने पहले वृक्षों को राखी बांधी, उनको तिलक चंदन लगाया और फिर आरती की। लेकिन बिना मिठाइयों के कहां कोई त्योहार पूरा होता है, लिहाजा हरियाली गुरु ने वृक्षों को मिष्ठान का भोग लगाकर छात्रों को भोग का प्रसाद भी दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आसपास ये जो हरियाली दिखाई दे रही, सब हरियाली गुरु यानी प्रोफेसर एनबी सिंह की देन है। दो दशकों में प्रोफेसर ने कई किलोमीटर में फैले विश्वविद्यालय कैंपस को हरा भरा बना दिया। वृक्ष हमको प्राणवायु देते हैं, प्राणवायु जो कि ऑक्सीजन है, इसके बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। पहले पेड़ पौधे आए, ऑक्सीजन आई, तब इसके बाद जंतु आए। वृक्ष प्राणवायु देते हैं, जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग तापीय विश्व और जलवायु परिवर्तन के समय पौधे ही कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेंगे और पौधे कितना परोपकारी हैं, कितने परहित का काम करते हैं, कि जो हमारे लिए ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पौधे कार्बोहाइड्रेट बना करके, भोजन बना कर, दवाएं बना करके, फाइबर बना करके, टिम्बर बना करके हमको वापस करते हैं। इसलिए हमको प्रकृति से सीख लेनी चाहिए और हमारे पूर्वजों ने भी प्रकृति की पूजा की है, नेचर इज़ गॉड। आप सब लोग प्रकृति की एक खूबसूरत रचना है और आप सबकी जिम्मेदारी है, आप वृक्षों को प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी ली। वही प्रोफेसर एनबी सिंह कहते हैं कि रक्षाबंधन में जिस तरह हम लोग बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं, ठीक उसी तरह हम सभी को पौधों की देखभाल का भी संकल्प लेना चाहिए। आज इस पवित्र त्योहार के दिन हमको जरूरत है वृक्षों को सुरक्षित और संरक्षित करने की। आज इस रक्षाबंधन के दिन वृक्षों को हम रक्षा सूत्र बांध करके इनकी सुरक्षा और संरक्षा की शपथ लेते हैं कि वृक्ष हमारे लिए आवश्यक हैं। गुरुजी से प्रेरणा लेकर उनके स्टूडेंट्स उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। वही स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके लिए ये रक्षाबंधन सबसे खास है, क्योंकि आज हम सभी ने पेड़ों की रक्षा का संकल्प लिया और लोगों को भी जागरूक करेंगे। रक्षाबंधन त्यौहार है तो सभी बहने अपने भाइयों को राखी बांधती है और उनके मंगल जीवन की कामना करती है। उसी प्रकार हम लोगों ने आज यहाँ पर फूलों की राखी बांधी पेड़ों को और उनको संरक्षित करने का संकल्प लिया और प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी अपने अपने घरों में, जिले में, गांव में वृक्ष लगाइए और उनको अधिक से अधिक संरक्षित करने का संकल्प लोगों को दिलाइए और संकल्प लीजिए।